एक मामला आया है जो मोहम्मद समी नाम का लड़का है, वो एक फेसबुक व्हाट्सएप पे एक अपनी सुरेश पाल करके आईडी चला रहा था और एक लड़की का नाम क्या है, शिल्पा नाम की लड़की को जो है प्रयागराज में फेसबुक के जरिए हुई मोहब्बत, दोनों ने एक दूसरे के लिए खाई थी कसमें, सात जन्मों का साथ रहने का किया था वादा, दोनों का प्यार शादी के रूप में परवान भी चढ़ा, लेकिन आखिरकार आशिक की दगाबाजी ने सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। आज हम लोग थाना खुल्दाबाद प्रयागराज में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे एक मोहम्मद समी नाम का लड़का जो है, जो फेक आईडी व्हाट्सएप फेसबुक में चला रहा था सुरेश पाल बनकर, उसने एक हिंदू लड़की को इस आईडी से अपने ग्रिप में लिया और उसके बाद 3 साल तक उसने मनकामेश्वर में शादी किया और 3 साल तक उसके साथ रहा। उसके बाद फिर उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया और उसको बोलता है कि तुम्हें अगर हमारे साथ रहना है तो तुमको हमारी धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा। और हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सुबह से हम लोग, वो पीड़िता यहाँ पे मौजूद थी, उसकी FIR नहीं लिखी गई, बाद में जो है उसकी FIR लिखी गई, हम लोग यहाँ पे इकट्ठे तो नहीं, जैसा बताया जा रहा था थाने में जो है। आगे क्या करें, कार्रवाई करें, हम कुछ भी हमें करना पड़े लेकिन हम ये धर्म परिवर्तन को रोकेंगे दृढ़ निश्चय से, इसको हम नहीं होने देंगे। कल सुबह फिर पीड़िता यहाँ पे मौजूद होगी, मोहम्मद समी थाने के अंदर है। बिल्कुल, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के SO साहब, जितनी टीम है, सभी लोगों ने तुरंत तत्काल कार्रवाई किया और पीड़िता को समी को जो है जेल के अंदर कर दिया है। राजेश कुमार गुप्ता, लघु उद्योग महानगर अध्यक्ष। और दूसरा विवाह करके दे दिया दगा, फिर धर्मांतरण करने और दूसरे पति के तौर पर साथ रहने की कर रहा था बातें। जब पीड़िता को पता चला सारा खेल, तो आखिरकार उसने खुल्दाबाद कोतवाली में आरोपी के खिलाफ शिकायत करने पहुंची। खाकी ने तत्परता दिखाई और आरोपी को पकड़ कर थाने बुलाई, लेकिन फिर शुरू हुआ इंतजार करने का काम। जी, आप लोग यहां पे आए थे, क्या पूरा मामला है और क्यों आए? मामला ये है कि जैसा कि राजेश जी ने बताया, वही मामला मुझको भी जानकारी हुई, हम लोग यहाँ पर आए। एक और वो जो पीड़िता है उसके साथ जो है एक मुस्लिम आईडी बदल करके रह रहा था, उसके साथ 6 सालों से विवाह करके और सारे संबंध थे और कई बार बताया, उसने पीड़िता ने बताया कि जो है उसके साथ गर्भपात भी हुआ और अब वो जबरदस्ती उसको कह रहा है कि या तो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम बन जाओ, हमारी दूसरी बीवी बन के रहो, और या न तो मतलब उसको ले करके, तो धर्म परिवर्तन जब कानूनन वो हो चुका है और जब आपने उस लड़की के साथ वो किया, हिंदू लड़की को बरगला करके आपने वो उसके साथ 6 साल समय गुजारा पति पत्नी का, तो अब उस आप धर्म परिवर्तन कराने की बात करके जो आप कर रहे हैं, इसके खिलाफ़ हम लोग हैं और अगर वो पीड़िता के हम लोग साथ में खड़े हैं। अगर वह जो मिस्टर समी हैं, जो मोहम्मद समी और सुरेश पाल को अगर पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता है, तो सोमवार को हम लोग इस संदर्भ में कप्तान साहब से बात करेंगे और कप्तान साहब से निवेदन करेंगे कि आप उसकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करावें। अभी जो FIR खुल्दाबाद थाने में दर्ज हुई है, वो मात्र 376, 377, 313, 452 ये आदि में दर्ज है, 419 में दर्ज हुई है, जबकि धर्म परिवर्तन की धाराएँ गायब हैं। तो धर्म परिवर्तन की धारा लगा करके इंस्पेक्टर साहब और गर्भपात की धारा लगा करके इंस्पेक्टर साहब उस मोहम्मद समी की जो है गिरफ्तारी करें, अन्यथा सोमवार को कप्तान साहब के संज्ञान में लाएंगे और या आगे भी हमें जाना होगा तो हम आगे भी उसको ले जाएंगे। मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी, महानगर संयोजक, हिंदू जागरण मंच। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करने को कहा तो पुलिस की तरफ से उसे 7 घंटे तक यूं ही टरकाने का काम किया जाने लगा। इसके बाद जब BJP लघु उद्योग प्रकोष्ठ महानगर संयोजक राजेश गुप्ता को मामले की जानकारी हुई, वो तुरंत खुल्दाबाद कोतवाली पहुंचकर पीड़िता को मदद का पूरा आश्वासन देते हुए BJP कार्यकर्ताओं ने मुकदमा आखिरकार पंजीकृत करवाया और पीड़िता को न्याय नहीं मिलता तो उच्च अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई करवाएंगे।